इधर दिल्ली में पानी को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन लगातार जारी है। पानी के मुद्दे पर आतिशी अनशन पर बैठी हुई हैं और आज आतिशी के अनशन का ये दूसरा दिन है। हरियाणा से दिल्ली को पूरा पानी मिले ये लगातार मांग कर रही हैं आतिशी और ये आरोप भी लगा रही हैं कि हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी उसको नहीं दे रहा है और यही वजह है कि दिल्ली में जल संकट हो रहा है जिसके चलते दिल्ली वासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उनका कहना है कि जब तक पानी की मांग पूरी नहीं होती है तब तक मैं अनशन पर बनी रहूंगी। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, आज दूसरा दिन है दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के इस जल सत्याग्रह का जिसमें वो धरने पर बैठी हैं, अनशन पर बैठी हैं और उनका लगातार पूरी आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि जो बीजेपी सरकार है हरियाणा की वो दिल्ली के हिस्से का पानी उसको नहीं दे रही है और इसीलिए दिल्ली में जल संकट बना हुआ है और फिर इस जल संकट के लिए आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पर लगाया जाता है। अब उनका ये कहना है कि वंशन अपना तब तक नहीं तोड़ेंगी जब तक उन्हें ये एश्योरेंस नहीं मिल जाती है कि दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दिया जाएगा। मेरे अनशन का दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है, लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रति दिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है, यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मैंने हर संभव रास्ता अपना के देख लिया, लेकिन जब किसी भी रास्ते से हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार नहीं हुई तो मेरे पास अनशन पे बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दिल्ली वाले इतने कष्ट में हैं, इतने परेशान हैं, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मैं कल से अनशन पर बैठी हूँ। मैंने आज सुबह फिर से दिल्ली जल बोर्ड से सारे आंकड़े मंगवाए, लेकिन आज भी पानी की कमी बनी हुई है। कल पूरे दिन भर में 110 MGD पानी हरियाणा से कम आया है। इसका मतलब आज 28 लाख से भी ज़्यादा लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। मैं इस अनशन पर तब तक बैठी रहूँगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं देती है। मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक दिल्ली के इन 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल जाता। जब तक दिल्ली के 28 लाख लोगों को हरियाणा से पानी नहीं मिलता तब तक ये अनशन जारी रहेगा। तो विवाद ये है कि दिल्ली को दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, ये आरोप लगा रही है आतिशी जो कि दिल्ली सरकार में जल मंत्री है और वो कह रहे हैं कि जब तक दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी नहीं देगा हरियाणा मैं इसी तरीके से अनशन पर बैठी रहूंगी। आरजू सेठ हैं दिल्ली से मेरे साथ और आदित्य कुमार भी दिल्ली से ही साथ में जुड़े हैं। आरजू, कुछ दिख रहा है असर आतिशी के इस अनशन का? जी देखिए, आपको बता दें किस तरीके से लगातार आतिशी जो है हरियाणा से पानी रिलीज नहीं किया जा रहा है इसको लेकर बात को उठाती आई हैं। पहले आतिशी ये कह रही थी कि 100 MGD पानी जो है वो हरियाणा से कम दिया जा रहा है, लेकिन आज जब उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया तो उन्होंने बताया कि कल जो है पानी में और गिरावट आई है, 110 MGD पानी जो है वो हरियाणा से कम आया, यानी कि उनके अनशन को एक दिन पूरा हो गया जब उन्होंने ये बताया कि पानी हरियाणा से और भी कम हो गया है। तो अभी फिलहाल असर कोई देखने को नहीं मिला है, जिस तरीके से वो ये कह रही हैं कि उन्होंने हर कोशिश जो है वो अपना ली है लेकिन कोई उनके पास उपचार नहीं बचा था, इसीलिए उनको ये अनशन जो है वो करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें उनकी सेहत को लेकर भी एक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये रिलीज कर रही है कि आतिशी की सेहत पे भी इस अनशन का असर पड़ रहा है, लेकिन वो जनता के लिए किस तरीके से
प्रण जो है उन्होंने ले लिया है कि दिल्ली की जनता को पानी दिलवाना है, और इसीलिए वो इस तरीके के अनशन पर बैठी है, पानी सत्याग्रह पर वो बैठ गई है। इसी के साथ आपको बताएं तो समर्थन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन पार्टी से भी उन्हें मिल रहा है। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा जो है वो भी उनकी जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने भी कहा है किस तरीके से दिल्ली में जिस तरीके से पानी का संकट मंडरा रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों से सामना करना पड़ा है, और इसके बाद इसका जो वाटर क्राइसिस का मामला है इसको संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी वो उठाते रहेंगे। तो साफ तौर पर इस पे देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ दिल्ली के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पे राजनीति भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ आतिशी ये कहती है कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है, तो वहीं देखिए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आतिशी जो है सिर्फ ड्रामा कर रही है, वो जल मंत्री है दिल्ली की, और इस पोजिशन पे होने के बाद वो अनशन पर बैठ गई है। अगर उनको अनशन पे बैठना ही था तो इसके साथ ही उनको काम भी करना चाहिए था, दिल्ली के लिए एक समर एक्शन प्लान जो है वो तैयार करना चाहिए था। और अगर उनको लगता है कि संकट इतना बड़ा है तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से पानी क्यों नहीं मांग लेती है? तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। रोज प्रोटेस्ट जो है चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो तो उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, और आज भी हरियाणा भवन का घेराव किया गया था, वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिला था। लेकिन देखना होगा आखिर इन सबके बीच में दिल्ली वालों के लोग जो है जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं उसका समाधान कब मिलेगा। जी बिल्कुल, आदित्य के पास मैं चलता हूं। आदित्य, आतिशी अनशन पर इसलिए बैठी है, वो कह रही है कि पानी का घोटाला चल रहा है दिल्ली वालों के साथ, और हरियाणा सरकार पानी का घोटाला कर रही है इसलिए दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि दरअसल आतिशी का अनशन ये घोटाला, एक वीडियो भी उन्होंने जारी किया कि अनशन करते हैं और फिर रात में एसी कमरों में सोने चले जाते हैं। बीजेपी अलग तरीके से टारगेट कर रही है इस अनशन को। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आतिशी के ऊपर में बीजेपी जो है जिस तरह से राजनीति पानी को लेकर के दिल्ली वासियों के ऊपर जो पानी को लेकर राजनीति चल रही है वो एक बहुत ही बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। जिस तरह से बीजेपी ने कहा कि आतिशी जो है सिर्फ नौटंकी कर रही हैं, और क्योंकि जल मंत्री वो हैं, और समर एक्शन प्लान जो होता है वो उनको क्रिएट करना चाहिए था, उनको बनाना चाहिए था, उसके बाद जो है आगे की जो रणनीति वह तय करके, क्योंकि दिल्ली में हर साल स्थिति यही होती है, यही वो स्थल है जहां पर आतिशी धरना दे रही हैं, जल सत्याग्रह कर रही हैं, लेकिन अभी तत्काल वो नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वो कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, असल में यहीं पर अभी वो अभी यहां पर मौजूद नहीं है। वो कहां है अभी पार्टी कार्यकर्ताओं से हमने बात किया तो उन्होंने कहा था कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो कहीं और गई हुई है, लेकिन 5 बजे का टाइम उन्होंने बताया कि 5 बजे यहां पर वो आ जाएंगी, और यहां पर आने के बाद फिर से दोबारा से धरना जो है प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ये कि जो तबीयत खराब होने की बात कही गई है तो उसमें जो नया अपडेट जो ये आया था कि आतिशी की पिछले एक दिनों में अगर बात करें, कोई दूसरा दिन या प्रदर्शन का है, और दूसरे दिन में लगभग 700 ग्राम उनका जो वजन है वो कम हुआ है, साथ ही जो बीपी है वो उनका बढ़ गया है, तो ये एक वैलिड पॉइंट हो सकती है जिसके वजह से आतिशी अभी यहां से कहीं और शिफ्ट कर गई हो, फिर 5 बजे तक जो है यहां पर आ जाएगी। लेकिन उनके बाद इस बीच में जो आंदोलन के बीच में जो राजनीति शुरू हो गई है, आज बीजेपी ने इस बात को लेकर प्रदर्शन भी किया है, और उसके बाद वाटर कैनन उन पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई भी की। रमेश बुद्धिदीन बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए आतिशी के बारे में कहा कि वो सिर्फ नौटंकी कर रही है और दिल्ली वासियों को गुमराह कर रही है धरना के प्रदर्शन के नाम पर और जल सत्याग्रह के नाम पर। तो इस तरीके जो बयानबाजी है वो चल रही है, यहां तक कि बीरेन्द्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने तो इस्तीफा तक की मांग तक कर ली थी कि आतिशी दिल्ली को ठीक से नहीं संभाल पा रही है, दिल्ली के लोगों को जल की जो आपूर्ति है वो ठीक से नहीं कर पा रही है, इस वजह से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये दोनों तरफ से जो है, क्योंकि हरियाणा में रूलिंग बीजेपी है और दिल्ली सरकार जो है वो लगातार आरोप लगा रही है हरियाणा सरकार पे कि वो पानी का जो जरूरत है जो 655 MGD यानी कि जो पानी जो सप्लाई किया जाता है उसमें 100-150 MGD कम पानी मिल रहा है जो दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी आपूर्ति करा सकती है, लेकिन वो इतने पानी कम है। तो ये यहाँ दिल्ली के जो आतिशी मंत्री हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। इसके बीच में सुनीता केजरीवाल जिस कल साथ में थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल से मिलने गई थी आतिशी, और आतिशी ने सारी जानकारी दी थी किस तरीके से दिल्ली में दिल्ली वासियों को पानी की दिक्कत हो रही है, और जिस तरीके से सारा रिपोर्ट दिया था उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जेल से ये कहा था। जी ठीक है आदित्य, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा, आरजू आपके पास भी आऊंगा। आरजू की एक रिपोर्ट मैं दिखा रहा हूं, लोगों से बात की है दिल्ली में जो जल संकट है, किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, और इस पर जो पॉलिटिक्स चल रही है, राजनीति जो चल रही है, उस पर लोग क्या कह रहे हैं वो आप देखिए आरजू सेठ की इस रिपोर्ट में। दिल्ली की जल
जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई हैं और आज पानी सत्याग्रह का दूसरा दिन है। इस वक्त की तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं स्टेज पर जल मंत्री आतिशी के साथ संजय सिंह जो है राज्यसभा सांसद वो भी स्टेज पर मौजूद है और रामनिवास गोयल जी जो स्पीकर है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इस वक्त जो है स्पीच दे रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से दिल्ली में जल का संकट जो है वो मंडरा रहा है और किस तरीके से हरियाणा की तरफ से पानी जो है वो नहीं भेजा जा रहा है। लगातार ये इल्जाम जो है हरियाणा सरकार पे लगाया जा रहा है कि और आतिशी की तरफ से ये भी कहना है कि जहां पहले 100 MGD वाटर जो है वो रोका जा रहा था वहीं इसकी संख्या अब और ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि अब और ज्यादा कम पानी जो है वो हरियाणा से दिल्ली भेजा जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर तमाम लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिर वो किस तरीके से इस अनशन को देखते हैं। आतिशी जल मंत्री दिल्ली की अनशन पर बैठ गई है, क्या इससे समाधान निकलेगा जो जल संकट हो रहा है? मैडम देखिए, हमारी जो संस्कृति रही है वो आपको पता है कि पीने के पानी की संस्कृति रही है, हमें मतलब जब पीने के पानी की आवश्यकता होती है तो हम लोग प्याऊ लगाते हैं, ये हमारे देश की भारत की संस्कृति है और हमारा मौलिक अधिकार है पानी। दिल्ली का 1050 क्यूसेक पानी जो हमें हरियाणा से मिलता है, क्योंकि दिल्ली के पास स्वयं का पानी है नहीं। आज भाजपा सरकार गंदी राजनीति कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद भी ये इसके अंदर जो इनके जो जल जो राज्य मंत्री है यादव जी वो उसके अंदर गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैडम हमारे पास कोई समाधान नहीं है, तो आज हम दिल्ली की जनता ने हमें चुना है तो दिल्ली की जनता के लिए हमारा अधिकार बनता है, हमारे लोगों का अधिकार होता है, हमारे मंत्री का अधिकार होता है, हमारे जनप्रतिनिधियों का। आज वो लोग यहाँ पर इसलिए अनशन पर बैठे हैं कि दिल्ली के जो हक का पानी है वो हरियाणा छोड़े। लगातार देखिए इसमें राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है दोनों ही पक्षों की तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ की भी बात करें तो उनकी तरफ से ही कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनका मिसमैनेजमेंट है जिसकी वजह से दिल्ली के लोग जो है इस वक्त पानी के लिए तड़प रहे हैं, संकट जो है पानी का देखने को मिल रहा है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आज प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, तो वहीं आतिशी जल मंत्री जो है वो यहाँ पर अनशन पर बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रोटेस्ट जो है लगातार अनशन जो है वो किया जा रहा है। फिलहाल देखना होगा आखिर दिल्ली वालों को कब इस पानी के संकट से राहत मिलती है क्योंकि बढ़ती गर्मी के साथ जल का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ में आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। आरजू आपकी इस रिपोर्ट में मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी भी प्रोटेस्ट कर रही है, एंटी प्रोटेस्ट बीजेपी भी कर रही है कि ये सब कुछ ड्रामा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है और पहले जो मीटिंग होनी चाहिए थी, पहले से जो समर एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए था, जो ऑलरेडी मार्च में मीटिंग होती है वो की नहीं, अब जल संकट आया है तो फिर इस तरह की चीज़ें हो रही। बिल्कुल देखिए इस चीज का जिक्र मैंने पहले भी किया था कि किस तरीके से देखिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष जो है उनका ये कहना है कि एक मंत्री का धरना देना और भूख हड़ताल की बात करना हसाद लगता है। मंत्री का काम जनता की सुविधा के लिए काम करना है और अगर सच में मंत्री आतिशी को लगता है कि दिल्ली में जल की कमी है और यदि सही में हरियाणा जल नहीं दे रही है तो वह अपनी पार्टी की पंजाब सरकार से मुख्यमंत्री भगवंत मान से पानी की मांग क्यों नहीं कर लेती है। तो साफ तौर पर देखिए जो एक कहीं ना कहीं जो शब्दों की लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। वहीं आपने जिक्र किया था कि बोल रहे हैं कि अनशन पे बैठी है लेकिन नजर नहीं आती है, बीजेपी की तरफ से ये वीडियो जो है वो भी रिलीज किया गया है जिस में जो स्टेज है वो खाली नजर आ रहा है। फिलहाल आपको सुबह के अपडेट बताएं तो हम लोग लगभग 10 बजे पहुंच गए थे लेकिन आतिशी जो है 10 बजे के आसपास मंदिर तो गई थी लेकिन वापस जो है वो लगभग 12 बजे के करीब आई है बैठने के लिए। तो इसी पे संजय सिंह ने इस पे ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के लोग एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, बीजेपी वाले नौटंकी कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो भी इंसान अनशन पे बैठता है उसका डेली चेकअप जो है वो डॉक्टर करता है और अगर वो कुछ खाता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है और अगर भाजपा वाले जो है वो पानी तो नहीं दे पा रहे हैं कम से कम वो डॉक्टर ही भेज दें। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दोनों तरफ से वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिल रहा है, शब्दों की लड़ाई देखने को मिल रही है, राजनीति देखने को मिल रही है लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। चाहे बीजेपी हो तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें लगातार प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, उन्हीं की सरकार है उसके बावजूद भी लगातार वो कह रहे हैं कि उनको पानी नहीं दिया जा रहा है, उनको पानी नहीं मिला है। बल्कि वहीं बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी फटकार भी दी गई थी क्योंकि हिमाचल से कहा गया था पानी छोड़ने को, तब उन्होंने एग्री किया था लेकिन बाद में उनके पास खुद पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर तरफ से इस तरीके की राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है लेकिन समाधान की कमी है और एक जो प्लान है उसकी कमी नजर आ रही है जिस वजह से दिल्ली वाले
पानी के संकट से जूझ रहे हैं। जी ठीक है, आप साथ में बने रहिए क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभी एक प्रोटेस्ट की तस्वीर मैंने आपको दिखाई जहां पर खुद दिल्ली के जल मंत्री प्रोटेस्ट कर रही हैं धरने पर बैठी हुई कि दिल्ली को पानी नहीं मिल रहा है। इधर हरियाणा भवन पर भी प्रदर्शन हो रहा है और आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। उनसे बात की हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग ने। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आले मोहम्मद इकबाल सर। सर, जिस तरीके से आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली की जनता पानी की किल्लत से जूझ रही है, तो आम आदमी पार्टी के क्या आरोप है और इस प्रोटेस्ट का क्या संदेश? देखिए, दिल्ली के पास अपना कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं है। 613 MGD पानी हरियाणा को दिल्ली को देना होता है। हरियाणा ने महज 513 MGD पानी दे रही है और 100 MGD पानी नहीं दे रही है। उस 100 MGD पानी से दिल्ली के 30 लाख लोग प्रभावित हैं। ये राजनीति नहीं हो रही है, इंसानियत के नाते ये जितने खड़े हुए हैं ना, कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये महिलाएं जो हमारी माएँ बहनें बुजुर्ग खड़ी हुई है ना, जिनके घरों में पानी नहीं है पिछले 1.5 महीने से, ये परेशान हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे क्यों आए हैं? एक एक महीना, 1.5 महीना हो गया। पहली ईद ऐसी गई है जो लोगों ने बगैर नहाए नमाजें पढ़ी हैं। कभी ऐसा हो नहीं सकता, हमने दिल्ली के इतिहास में कभी ऐसे बुरे दिन नहीं देखे। हरियाणा से गुजारिश करते हैं, जो आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं, इसको प्रदर्शन मत समझिए। हरियाणा पानी देगा, हरियाणा यहीं के लोग खड़े होकर हरियाणा का शुक्रगुजार करेंगे, हरियाणा सरकार का धन्यवाद करेंगे। राजनीति मत करिए। देश के इतिहास में पहली दफा हो रहा है कि दिल्ली देश एक जल मंत्री खुद पानी को लेकर प्रदर्शन पे यहाँ पर बैठी हुई है। लेकिन सर, बीजेपी और हरियाणा का कहना है कि जरूरत से ज्यादा पानी हरियाणा छोड़ रही है और बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मिसमैनेजमेंट है। देखिए, मिसमैनेजमेंट क्या है? मिसमैनेजमेंट तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताए ना। मैं ये कह दूं कि हरियाणा की सरकार नहीं चल रही, मेरे बोलने से दिल्ली बैठ के क्या फायदा? वो तो हरियाणा की जनता बताएगी। आज पॉलिटिकल आदमी ये बोले कि मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट कैसे? आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आकर, हरियाणा जल बोर्ड के डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड को आके बताएं कि मिसमैनेजमेंट क्या है। बात तो ये ऑफिशियली आप ये कह दीजिए, आप 613 MGD दे रहे हैं। आज तक ऑफिशियली लिखित रूप में आपने 613 MGD पानी, जो 100 MGD पानी आपने दिल्ली की जनता का रोका है, आज तक आपने उसके बारे में ऑफिशियली नहीं दिया है, जिससे 30 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली की जनता को जान के परेशान करना कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक गुस्सा पैदा हो। ठीक है सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये था हमारे साथ डिप्टी मेयर दिल्ली के, जिन्होंने बताया कि क्यों आज आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और जो आरोप है